मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ एगलेस स्पंज केक। प्रेशर कुकर में बिना अवन के ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही स्पंजी बना है, वो भी बिना माइक्रोवेव या बिना अवन के। और इसको मैं बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। ये है मैदा 1 कप, पीसी हुई शक्कर 1/2 कप, ये बटर है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, वनीला एसेंस है, 1 पिंच में नमक यूज़ करूँगी, कंडेंस मिल्क है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, ऑयल है और 1/2 कप दूध यूज़ करूँगी मिल्क। सबसे पहले मैं रेत ले रही हूँ, इसको डाल रही हूँ कुकर में और इसको अच्छे से फैला रही हूँ। यहाँ पे आप रेत नहीं है तो नमक भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं रेत यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से फैलाया है। अब उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ स्टैंड, ये वही स्टैंड है जिसके ऊपर हम लोग बर्तन रखते हैं। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप एक प्लेट डालना, हमें डायरेक्ट केक का टिन कुकर में रेत के ऊपर नहीं रखना है। अब मैं इसको गैस के ऊपर रखी हूँ, इसको गर्म होने दे रही हूँ। अब मैं दूसरी तैयारी कर रही हूँ। आप जिस भी बर्तन में केक बनाओगे उसके साइज़ का बटर पेपर कटिंग कर लेना। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इस तरीके से ऑयल लगा के उसे ग्रीस करके थोड़ा सा उसके ऊपर मैदा छिड़क देना। मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज़ किया है, आप चाहो तो स्टील का भी यूज़ कर सकते हो या जो भी बर्तन आपके पास अवेलेबल वो यूज़ करना, पर बर्तन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि बैटर डालने के बाद वो आधा स्पेस बचा रहे उसमें, ताकि केक फूले। अब छन्नी में मैं डाली हूँ 1 कप मैदा और उसके बाद मैं इसमें डाल बेकिंग पाउडर, ये 1 टीस्पून है, हमें 1 टीस्पून ही लेना है लेवल में। उसमें डालूंगी बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून ही यूज़ करना है, हमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। अब उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच नमक। अब इसको मैं अच्छे से छानूंगी, इसको इस तरीके से हमें 3 बार छानना है ताकि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाए। हमें 3 बार इसको छानना है। बेकिंग सोडा कभी भी हमें ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, ना ही बेकिंग पाउडर, उससे क्या हो जाएगा ना केक एकदम जल्दी फूल के फिर बैठ जाएगा और वो थोड़ा सा चिपचिपा होगा, अंदर से अच्छे से पकेगा नहीं। अब मेरा मैदा छन गया है, अब मैं ले रही हूँ बटर। मुझे बटर और ऑयल दोनों मिलके 1/4 कप लेना। आप चाहो तो सिर्फ बटर भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, दोनों मिलके ये 1/4 कप है। बटर डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ऑयल डालने से हमारा जो केक है वो ज़्यादा देर तक सॉफ्ट रहेगा, इसलिए दोनों डालने से बेस्ट है, अदरवाइज़ आप कोई एक भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने डाला 1/2 कप पीसी हुई शक्कर, उसके बाद ये है दूध। दूध मैं 1/2 कप ले रही हूँ, 1 कप मैदा है तो मैं 1/2 कप दूध ले रही हूँ। ये क्वांटिटी हमें बराबर रखना चाहिए, दूध ना ही कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए। अब मैं इनको अच्छे से फेंट रही हूँ, लगातार इसको एकदम कंटिन्यूसली फेंटना है और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। अब उसके बाद मैं मिल्क, ये कंडेंस्ड मिल्क है, ये होममेड है, इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, अदरवाइज़ आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हो, ये इजीली अवेलेबल रहता है। ये कंडेंस्ड मिल्क मैंने 1/4 कप डाला है। अब इसको मैं फिर से मिला रही हूँ, अच्छे से लगातार मिला रही हूँ ताकि सारी चीज़ें आपस में मिल जाए। अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 3 ड्रॉप वेनिला एसेंस। वैसे ये एगलेस केक है तो इसमें एसेंस की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम लोग एग वाला केक बनाते हैं तो उसमें एसेंस डालना पड़ता है, ये ऐसे ही इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है। अब मैं इनको डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब थोड़ा सा और मिल्क डाल रही हूँ, दूध हमें एक साथ पूरा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मैदा। हमें जितना भी फेंटना है अभी फेंटना है, मैदा डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं फेंटना है, क्योंकि एक बार अगर हम लोग मैदा डालते हैं, क्योंकि मैदा में हम लोग बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों मिला चुके हैं, उसके बाद हमें बिल्कुल भी नहीं फेंटना है, बस सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करना है। तो मैं ये थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ मेरा कंसिस्टेंसी कैसा है केक का। मुझे लगता है बाकी दूध भी डालना चाहिए, अब मैं बाकी का दूध भी डाल रही हूँ। मेरा बराबर 1/2 कप दूध इसमें लग गया है, ना ही कम ना ही ज़्यादा, बस इतना ही हमको यूज़ करना है। अब मेरा ये बैटर बनके रेडी है। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे थोड़े से टूटी फ्रूटी डाले हैं, थोड़े से काजू और थोड़े से किशमिश डाले हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट चेंज कर सकते हैं। अब बस इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर रही हूँ स्पैचुला से, ज़्यादा हमें मिक्स नहीं करना है। उसके बाद मैंने जो केक टिन ग्रीस करके रखा था उसमें इस बैटर को डालूंगी। मैं केक टिन में इसको डाल रही हूँ, अच्छे से पूरा बैटर डाल रही हूँ। हमें बैटर जो हमारा केक का बर्तन है उसके बराबर आधा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे केक अच्छे से फूल नहीं पाएगा, उसके लिए स्पेस नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा टैप करना है, टैप करने से बैटर अच्छे से सेट हो जाता है और ऊपर बबल्स नहीं आएंगे। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा और काजू डाल के इसको गार्निश कर रही हूँ, काजू और थोड़ा सा
टूटी फ्रूटी जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास है आप उसे गार्निश करना, जिस तरीके से चाहे आप उस तरीके से गार्निश कर सकते हो। अब मेरा ये केक का बैटर बर्तन में डाल के रेडी है। अब मैं इसको रखूँगी कुकर में, जिसको मैंने गैस के ऊपर रखा था। मेरा कुकर काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। पहले हमको रेत को अच्छे से गर्म करना, बाद ही केक का बैटर वाला बर्तन हम लोग कुकर में रखेंगे। अगर रेत अच्छे से गर्म नहीं होगा तो केक अच्छे से फूलेगा नहीं। और यहाँ पे बर्तन बहुत गर्म है तो रखते समय आप एकदम सावधानी से रखना। अब उसके बाद कुकर का ढक्कन मैं बंद कर रही हूँ। बंद करके मैं इसका सीटी निकाल रही हूँ। सीटी नहीं रखना है, सीटी निकाल कर धीमी आँच पे इसको मैं रखूँगी 40 मिनट तक। कभी कभी केक बनने में हमें 40 मिनट भी लगता है, कभी कभी 50 मिनट, कभी कभी 30 मिनट में भी बन जाता है। वो डिपेंड करता है गैस के फ्लेम के ऊपर। अब मेरा केक बन गया है। मैं 40 मिनट बाद कुकर खोल रही हूँ। मैं इसमें नाइफ डाल के चेक कर रही हूँ, मेरे चाकू में बिल्कुल भी केक नहीं लग रहा है। इसका मतलब मेरा केक बन के रेडी है। अब मैं कुकर का ढक्कन फिर से बंद कर दूँगी, गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इस गर्म कुकर में ही मैं इसको एक घंटे के लिए छोड़ दूँगी, तब तक जब तक कि मेरा प्रेशर कुकर पूरी तरह ठंडा नहीं होगा। अब एक घंटा हो गया है, एक घंटे बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। मेरा केक एकदम बन के रेडी है। हमें कुकर में केक बनाते समय ध्यान देना है कि कभी भी हमें बर्तन को डायरेक्टली कुकर में नहीं रखना है। पहले रेत या नमक डालना है, उसके बाद ही हमें बर्तन रखना है। डायरेक्ट बर्तन आप रख दोगे कुकर में तो आपका केक नीचे से जल जाएगा। अब मेरा केक हो गया है, मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया है। अब मैं आपको इसको काट के दिखा रही हूँ, ये कितना स्पंजी बना है, कितना सॉफ्ट बना है। आप भी इसे बना के देखना, ट्राई करना और बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन क्लिक करना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।